हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपकी सेवा में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये हम उदयपुर से हल्दी घाटी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर दृश्य है पहाड़ों का और बहुत ही अच्छी सड़क है। उदयपुर से 20 किलोमीटर ये हल्दी घाटी है। जो फोर्ट नुमा किला बनाया हुआ है ये बहुत पुराना नहीं है। ये अपनी संपत्ति पर मिस्टर श्री मालीन जी ने बनाया हुआ है, अपनी संपत्ति पर, अपने पैसों पर। ये किले के बाहर एक तरह का ये म्यूज़ियम है और इसके बाहर का ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये बाहरी नज़ारा है और इसके बाहर ये ऊंट भी हैं जो बच्चों की सवारी के लिए रखे हुए हैं और एक बच्चों के मनोरंजन के लिए ये अच्छा एक छोटा सा, उधर जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपना व्यवसाय बनाया हुआ है, जो एक अच्छी बात भी है। और बच्चों को राजस्थानी माहौल और राजस्थानी कल्चर जो उसका मज़ा लेते हुए, ये एंट्रेंस पर ही एक मंदिर है जो बहुत प्राचीन तो नहीं है, शायद ये इन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। मंदिर के बाद ये किले के अंदर स्टैचू बनाए हुए हैं जो प्रतीक है उस समय की लड़ाई के दृश्य दिखाया हुआ है। तरह का म्यूज़ियम ही है, इसके अंदर थिएटर नुमा और एक तरह की झांकियां बनाकर और बताया गया है, जो भी लोग इस किले को देखने आते हैं तो कैसे महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में, जीवन काल में कैसे लड़ाइयाँ की और कैसे उनके चेतक घोड़े की टांग कट गई थी लड़ाई में, और कैसे 22 फुट की जो नदी थी उसको पार किया और कैसे उसकी समाधि बनी। तो ये महाराणा प्रताप की हिस्ट्री को दर्शाते हुए ये श्री मालीन जी ने अपने पैसों से ये किला बनाया हुआ है और ये इसमें अंदर जाकर बच्चों को हिस्ट्री पता लगती है। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर
मेरा सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को तोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुँचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक बढ़ गया था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुनिख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंत
अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले।